मैं हूँ राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की जो टेक्निकल पोस्ट थी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, अलग अलग जो पद थे, इनका जो है रिटर्न एग्ज़ाम अभी होना बाकी था। इनका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो हम आपको आज के वीडियो में लाइव दिखाएंगे कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं आ रहा तो किस कार्रवाई से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो आपको क्या करना है, सीआरपीएफ की वेबसाइट पर जाना है, crpfgovernment.in डालना है आपको गूगल पे। जब आप जाएंगे इसके अंदर तो ये crpfgovernment.in की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद में आपके सामने ये दो ऑप्शन खुलते हैं, क्लिक एयर फॉर रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ सीआरपीएफ, विजिट सीआरपीएफ वेबसाइट। आपको ये एक वाला खोलना है, क्लिक फॉर रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, सीआरपीएफ की रिक्रूटमेंट साइट पर जाएंगे तो इसमें आपके सामने ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर एग्जाम ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ इन सीआरपीएफ। तीसरे नंबर के ऊपर आपका ये है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपका लॉगिन करने का आ जाएगा। तो इसमें आपका रोल नंबर डालना है, नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब जिन बच्चों के एडमिट कार्ड जो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, उनको डाउनलोड करने में समस्या क्या आ रही है कि जैसे आपका रोल नंबर जो है वो जीरो से जिसका शुरू है, अब जिसको जीरो से शुरू है वो लोग पूरा अपना रोल नंबर डाल रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, तो उसमें नहीं होगा आपका। अगर आपका जो नंबर 9 अंक है, यानी कि स्टार्टिंग में अगर आपका जीरो है, तो आपको फर्स्ट में क्या करना है, कैपिटल लेटर में पी डालना है। और जब कैपिटल लेटर में आप पी डालेंगे, उसके बाद में फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब डेट ऑफ बर्थ जो अगर आप डालते हैं तो डेट ऑफ बर्थ में आपको बीच में किसी प्रकार का ये स्पेशल करेक्टर नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट लिखना है सीधा। जैसे मान लो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/06/1989, इस प्रकार से मतलब आपको डायरेक्ट लिखना है। ये नहीं है कि बीच में जैसे आपको किसी प्रकार का स्पेशल करेक्टर नहीं लगाना है। तो और आपका अगर जीरो से आकर आपका रोल नंबर स्टार्टिंग में हो रहा है, तो जीरो के फर्स्ट में आप जीरो की जगह पे पी लगाना है कैपिटल लेटर में, और उसके बाद में फिर आपका जीरो को हटा के बाकी के जो नंबर बचते हैं वो नंबर आपको लगाओगे, आपका एडमिट कार्ड इसमें डाउनलोड हो जाएगा। और अब ये आपके पास में जितना टाइम बचा है उसके बाद हम अपनी तैयारी करें, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये कैप्चा ठीक से डालना है, लॉगिन कर देना है, आपका एडमिट कार्ड इजीली डाउनलोड हो जाएगा। तो जहाँ तक मेरा विचार है दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, अपना एग्जाम की तैयारी करें जो इतना टाइम बचा है, और अपने एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुँचे ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिख भी रखा है कि अगर आपका जो रोल नंबर 10 अंकों का है और उसके अंदर 0 पहले है, तो उसके लिए आप इसके अंदर जो पहले पी जोड़ें और फिर आपका जो पासवर्ड है ना, आपका जो रोल नंबर है वो दर्ज करें, और पासवर्ड में आपको किसी प्रकार का स्पेशल करेक्टर नहीं लगाना है, आपका एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड हो जाएगा। आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।